दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो जालौर के सुरैना गांव में जो घटना हुई है। इंद्र कुमार एक स्कूल का बच्चा, उस स्कूल के बच्चे के साथ में वास्तव में क्या कुछ हुआ है वो बताने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों ये जो घटना हुई है इसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, सरकार और उसका विपक्ष, और यहाँ पर दो समुदायों के बीच एक तरह से आपसी टकराव का माहौल बन गया है। लेकिन दोस्तों देखिए कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसकी जड़ में, उसकी तह में कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ होता है कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ है जो कि इस घटना की वजह बना है। तो दोस्तों अपन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुरैना गांव है, स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक शैल सिंह जी नाम से हैं और उनके ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने एक स्कूल के बच्चे को जिसका नाम इंद्र कुमार है, वो जो कि दलित समुदाय से आता है और बहुत छोटा और मासूम बच्चा है, उस बच्चे को मटके से पानी पीने के चलते, यानी कि वो मटका जिसमें से शैल सिंह या उनका स्टाफ पानी पीता था उसमें से बच्चे ने पानी पी दिया। इसके फलस्वरूप शैल सिंह ने उस बच्चे की बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद में बच्चे के कान से खून आया। जैसा कि उसके छोटे भाई ने बताया है, उसके बड़े भाई ने यह बताया है कि बच्चे के जैसे ही कान पर लगी तो उसके कानों से खून आया था। साथ ही उसने ये भी बताया था कि आज उसे मारा गया, पीटा गया है। तो पीटने पर ये बताया कि किसने पीटा है, तो उसने प्रधानाध्यापक, यानी कि प्रधानाध्यापक शैल सिंह जी का नाम लिया। अब देखिए कि जैसे ये घटना चर्चा में आई तो जिस समय उन्होंने ये थप्पड़ मारा उस दौरान उसका इलाज कराने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चे को सबसे पहले बागरा में, बागरा के बाद में भीमाल में, भीमाल के बाद में पालनपुर में, पालनपुर के बाद में उदयपुर में, और उदयपुर से मेहसाणा लेके जाते अहमदाबाद जाते समय उस बच्चे की डेथ हो जाती। तो जैसे ही बच्चे की डेथ हुई ये मामला एक तरह से गर्मा गया, चर्चा में आ गया। सब लोगों की नजरें इस तरफ थी कि ये कोई जातिवाद का एक बहुत बड़ा घिनौना मामला है जो जो कि जालौर के सुरैना गांव में घटित हुआ है। अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ये जो घटना हुई है तो सबसे पहला आरोप प्रधानाध्यापक ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझसे गलती हुई है और गलती होने की वजह से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और स्वीकार करते हुए उसने बच्चे के पेरेंट्स के साथ में एक समझौता किया और उस समझौते के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि देने की बात कही और इस मामले को रफा दफा करने की बात कही। न केवल इतना किया गया शैल सिंह के द्वारा बल्कि उसके स्टाफ के जितने भी साथी हैं उनके द्वारा, कुछ स्कूल के बच्चों के द्वारा और भी जो गांव में लोग थे प्रभावशाली, उन सभी लोगों की मदद से इस घटना को वहीं का वहीं दबा देने की बात सामने निकल कर आई है। अब एक तरफ दोस्तों दैनिक भास्कर अखबार ने पहले दिन जो खबर छापी उसके बाद सिलसिलेवार खबरें छापते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये घटना है वो कहीं ना कहीं इसको, इसका जो वास्तविकता है उसको धूमिल कर दिया है। शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ और अभी क्या स्टेटस है। तो देखिए कि घटना में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं नई नई चीजें सामने आती जा रही है। अब देखिए कि जो वास्तव में घटना हुई है अगर आप उसमें बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को स्वीकार करेंगे, यानी अधिक से अधिक हस्तक्षेप को एक्सेप्ट करते जाएंगे, घटना की वास्तविकता में बदलाव आता जाएगा, क्योंकि वो घटना वास्तविक जो रूप होगा वो उसका वास्तविक रूप खो देगी। उसमें कई कई तरह के नए तथ्य जुड़ने के आसार रहते हैं, कई साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है, कई नई बातों को ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से कई साजिशें एक पर्टिकुलर उस घटना के साथ, केस के साथ, चाहे वो जिसके साथ घटित हुआ है वो, चाहे जिसने घटित किया है उसके पक्ष की तरफ से, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से इस केस की वास्तविकता को धूमिल करने के प्रयास किए जा सकते हैं। और ये कब कब हो सकता है, जब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे घटना की वास्तविकता में बदलाव आता जाएगा। अब पुलिस प्रशासन ने स्टेप बाय स्टेप, यानी एक के बाद एक बयानों को दर्ज किया है। एक तरफ वो बच्चे के माता पिता, उसके छोटे भाई, उनके बयानों को भी दर्ज कर रहा है। एक तरफ वो स्कूल के प्रधानाध्यापक शैल सिंह और उसके जो कि साथी हैं उनके बयान भी दर्ज कर रहा है। कुछ बयान वहाँ लोगों, वहाँ मौजूद लोगों के बयान को भी दर्ज कर रहा है। अब ये इतने सारे बयान दर्ज करने के बाद अब देखिए घटना क्या रुक लेती है, ये जानने वाली बात है दोस्तों। इस घटना की वास्तविकता आखिर क्या होगी और क्या तथ्य निकल कर सामने आएंगे। अब देखिए जैसे समाज में ये घटना घटित हुई है राजस्थान में, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पर राजपूत समाज का जो एक तरह से आप देखिए कि उनका जो दबदबा है वो आर्थिक रूप से सक्षम है, वो राजनीतिक रूप से भी काफी पावरफुल है, और इस सक्षमता की वजह से ऐसा नहीं है कि सभी राजपूत समाज के सभी साथी एक जैसे हैं। नहीं, ये सोचना बहुत गलत है, क्योंकि राजपूत समाज में कई ऐसे बंदे हैं जो इस तरह की सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़े हैं और वो बदलाव के पक्षधर हैं, यानी बदलाव लाना चाहते हैं और इस तरह की घिनौनी हरकत को वो नकारते हैं और नहीं होने देते हैं, और बाकी जो साथी अपने समाज में ऐसा करते हैं उनको भी डांटते हैं, डपटते हैं। अभी इसका एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण सुनने को मिला था। अभी आपने देखा कि क्षत्रिय समाज की जयपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में जो प्रदेश के
जितने भी उस क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ सीनियर जो सज्जन लोग थे, उन्होंने घोड़ी से दूल्हे को गिराने की घटना को बहुत ही मतलब उच्च स्वर में उसको तो क्रिटिसिज्म किया और समाज के सभी बंधुओं से आग्रह किया, इस तरह की घटिया हरकतें करना बंद करो, समाज अब आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो वो जो कमजोर तबका जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो हमें उनसे जलन नहीं करनी है, हमें उनसे नफरत नहीं करनी है, बल्कि वो हमारे समकक्ष धीरे धीरे हमारे बराबर आएंगे, क्योंकि हमारे देश का संविधान उनको वो सभी अधिकार देता है और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने जीवन स्तर को दिनों दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है, सक्षम है, तो वो अगर घोड़ी पर बैठना चाहता है तो हम लोगों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? इस तरह की बड़ी बातें और बहुत जरूरी बातें उस क्षेत्रीय समाज के जयपुर में, जो कि राज्य स्तर का बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें सज्जनों ने कही। और इसका अभी जो राजस्थान के जितने भी, जो चाहे दलित समुदाय का हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, इन सभी ने इस बात को सराहा कि वास्तव में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों देखिए, एक तरफ दोनों समुदायों में दो तरह के लोग जरूर होते हैं। जो एक वो लोग जो अपने समुदाय के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं, बहुत ही ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, यानी अपने समुदाय के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, भले ही अपना समुदाय का कोई व्यक्ति चाहे वो अपराध में संलिप्त है, लेकिन फिर भी उस अपराध को जायज मानते हुए उसका साथ देने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ यह भी है कि समाज का कोई भी व्यक्ति भले वो गलत करता है, लेकिन उसके साथ खड़े होने का ये जो परंपरा विकसित हो रही है, वो इस परंपरा को आप देश के संदर्भ में देखिए कि हमारा जो भारत देश है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में आप देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह जुड़ता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक तरफ वो है जिनके साथ गलत हुआ है, तो उसका समाज है वो भी उसके साथ जुड़ेगा। अब दोनों ही समुदाय अपने अपने पक्ष के जो व्यक्ति है, एक वो है जो पीड़ित है, एक वो है जो पीड़ित करने वाला है, दोनों के साथ में जुड़ते जाते हैं और फिर स्थिति विवाद के रूप में बढ़ती जाती है, आपस में टकराव, बयानबाजी और हिंसक माहौल जैसा होने लगता है। दोस्तों देखिए, ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है कि हालातों को कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनके बयानबाजी, उनके भड़काऊ भाषण कहीं कहीं से, और आजकल सोशल मीडिया, और इस सोशल मीडिया ने पूरे राजस्थान में या पूरे भारत में इस तरह के भाषणों के प्रवाहित होने से, ब्रॉडकास्ट होने से, ये चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे हमारे समाज का जो माहौल है वो बहुत खराब हुआ है। देखिए, समाज जब हम कहते हैं तो सीधे शब्दों में हमें समझना होगा कि एक तरफ कहते हैं स्वर्ण समाज, एक तरफ कहते हैं दलित समाज, एक तरफ कहते हैं ओबीसी समाज। अभी एक नई चीज़ और आ रही है, 36 कौम। 36 कौम का तात्पर्य यह है कि इसमें 36 तरह की जातियां आती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन 36 कौम में अब क्या है कि अगर व्यक्ति कोई गलत करता है या किसी का समर्थन चाहता है, या अपनी कोई भी बात है, या अपनी कोई तरीका है, या अपनी आस्था है, जो भी प्रकट करना चाहता है, जो भी सिस्टम में एक पब्लिक में लाना चाहता है, वो 36 कौम का नाम लेकर चीजें पब्लिक में प्रसारित करने लग जाता है कि 36 कौम साथ है। 36 कौम साथ है का अर्थ वास्तव में क्या हो सकता है? वास्तव में देखा जाना चाहिए कि क्या 36 प्रकार की जातियां उसमें शामिल है, क्या ये 36 कौम जो शब्द है वो भारत सरकार या राजस्थान सरकार या हमारी हाईकोर्ट के द्वारा परिभाषित एक ऑथेंटिक टर्मिनोलॉजी है, तो इसको भी देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ क्या 36 कौम में SC ST के लोग नहीं आते हैं? क्या 36 कौम केवल स्वर्ण समाज तक सीमित है? क्या 36 कौम में OBC वर्ग नहीं आता है? तो ये विचारणीय बिंदु है, इस पर सोचना चाहिए। दूसरी तरफ अब मैं जो विशेषकर दलित समुदाय के जो नेता है उनके संदर्भ में भी बात करना चाहूंगा कि दलित समुदाय के नेता अब पिछले कुछ समय से कुछ नेता है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, जैसे कि सतपाल तंवर जो कि भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी प्रकार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के संयोजक जो चंद्रशेखर आजाद है, इसी प्रकार इन्हीं दलों के, इन्हीं ये जो सामाजिक संगठन है, इनके प्रदेश के पदाधिकारी जब भी राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटित होती है, और उन घटनाओं का आधार आधार केवल और केवल ये होता है कि कोई घटना अदर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत या अन्य किसी या SC ST एक्ट का उल्लंघन करने वाली कोई भी घटना राजस्थान या प्रदेश या देश के किसी भी भाग में होती है, तो ये जो सामाजिक संगठन है अब ये आवाज उठाने लगेगा। अब देखिए, हमारे भारत के संविधान के हिसाब से भेदभाव, छुआछूत, छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद, इन सभी का उन्मूलन किया गया है, यानी कि ये हमारे संविधान में इनका निषेध माना गया है कि हम किसी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके मूल, वंश, जाति, धर्म, इस आधार पर राष्ट्र, इस आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और उसके बाद में जो आर्टिकल आप देखते हैं 17, भेदभाव और छुआछूत को लेकर है, या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लेकर है, तो अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और इस तरह की वारदातें होगी, अगर कोई भी चाहे ओबीसी, चाहे वो स्वर्ण समाज जिसको बोलते हैं जनरल, उनके द्वारा अगर SC या ST के किसी भी व्यक्ति के साथ में इन उपरोक्त के आधार पर अगर कोई भी घटना घटित होगी
या उनके साथ किसी भी प्रकार का कृत्य होगा, ये भारत के संविधान का तो उल्लंघन है, हमारे देश के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही साथ वो जो संगठन इनका जो विरोध करते हैं, जो सामाजिक संगठन, जैसे कि मैंने नाम बताया भीम सेना और दूसरा भीम आर्मी, तो ये क्या करते हैं कि जब भी कोई घटना घटित होती है तो इनके पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, ऐसा पातावर जी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये उस प्रदेश में जाने की कोशिश करते हैं और उस प्रदेश के युवा को सोशल मीडिया के माध्यम से उसको उत्साहित करते हैं कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाइए। अब देखिए कि ये अगर आप इसी चीज को एक जनरल दृष्टिकोण से देखेंगे, एक स्वर्ण समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आप सीधे तौर पर यह कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ये जनता को या सी एस टी को भड़का रहा है, हमारे सामाजिक सद्भाव को भड़का रहा है। दूसरा, अगर सतपाल तंवर पंजाब में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में बैठकर अगर ये बात बोल रहा है, और जो घटना राजस्थान के पश्चिमी भूभाग वाले जिले में यानी जालौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली में मालूम हुई है, उसके खिलाफ अगर वहां से आवाज उठाता है, तो राजस्थान में धीरे धीरे जो जनरल समाज, विशेषकर या जो समाज जो घटना घटित करेगा, यानी जो किसी के साथ मारपीट करेगा, उसका समाज, मारपीट करने वाले का समाज, चंद्रशेखर और सतपाल तंवर के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देगा। अब देखिए, क्योंकि उनकी नजरों में यह सब कुछ भी जो हो रहा है वो गलत और सही नहीं हो रहा है। कारण यह है, वो ये चाहते हैं कि हमारा समाज यानी स्वर्ण समाज कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कि जो स्वर्ण समाज है उसकी हमेशा एक मानसिकता रही है कि वो हमेशा स्वर्ण अर्थात उच्च रहा है, यानी कि वो कभी भी शोषण किसी का भी कर सकता है, वो ये मानता है कि उसे अधिकार मिला हुआ है। तो वो जो आदत है पुरानी, वो आदत अभी तक जाती नहीं है, वो प्रैक्टिस में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या शहरी स्तर पर हो, वो प्रोसेस में आई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सभी स्वर्ण समाज के साथ ही इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और इस मेंटेलिटी के होते हैं, तो ये बहुत गलत सोचना है। आज के समय में जितना बदलाव एससी और एसटी ने या जो ओबीसी वर्ग ने नहीं किया है, उससे कहीं गुना ज्यादा बदलाव और सकारात्मक दृष्टिकोण, विशेषकर जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और अस्पृश्यता जो कहते हैं, इन सब के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा मुहिम छड़ी है तो वो स्वर्ण समाज नहीं छड़ी है, क्योंकि उनके रीति रिवाजों में, उनके संस्कारों में, उनके प्रचलन में वो चीज थी और उसको छोड़ने में वो सबसे आगे खड़े रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो ओबीसी एससी के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, एससी की कई जातियां हैं जो एससी की कई जातियों के साथ आज भी भेदभाव करती है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज अभी भी गई नहीं है। इस संदर्भ में मैं स्वर्ण समाज के साथियों को कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जितना चेंजेस, बदलाव जो लाया है, वो ही दृष्टिकोण अगर ओबीसी के साथ ही एससी के प्रति और एससी की कुछ जातियां, एससी की कुछ जातियों के प्रति अगर अपना ले, तो देश में जो हम कहते हैं बार बार जातिवाद और भेदभाव, छुआछूत, ये समूल हमारे देश से खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि सारा जिम्मा केवल स्वर्ण समाज के हिस्से में थोप रखा है, कि केवल केवल स्वर्ण समाज छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद इसके लिए जिम्मेदार है। पर मैं मानता हूं कि वास्तविकता यह है देश की, कि ये जो तथ्य है वो हकीकत नहीं है। देश की हकीकत कुछ और है। देश की हकीकत यह है कि ओबीसी की जातियां ओबीसी के साथ छुआछूत करती हैं, एससी की कुछ जातियां एससी के साथ छुआछूत करती हैं, एसटी की कुछ जातियां एसटी के साथ भी छुआछूत करती हैं, और जनरल की कुछ जातियां, पर्टिकुलर जातियां, वो जातियां भी अपने आप को उच्च निम्न श्रेष्ठ कमतर आंकती रहती है। ये जो हमारे देश में एक जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे स्वर्ण समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे एससी और एसटी का हो, अभी मैं धार्मिक संदर्भ में बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं केवल हिंदू समाज और उसके अंदर की, अभी हिंदू समाज के अंदर डुबकी लगाए हुए हूँ और उसी पर बातचीत कर रहा हूँ। हिंदू समाज जब अगर आप कहेंगे तो पहले स्वर्ण समाज, फिर शूद्र यानी ओबीसी वर्ग, और फिर अछूत जो एससी और एसटी है, अनटचेबल्स, डॉक्टर अम्बेडकर कई बार कहते थे अनटचेबल्स, और अब एक राजनीतिक नया शब्द आ गया है दलित, डिप्रेस्ड क्लासेस। तो दोस्तों, मैंने इस घटना के संदर्भ में बात करी है कि अब देखिए, पूरे प्रदेश में छोड़िए, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन क्यों ऐसी बढ़ती जा रही है, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जातियों को लेकर हो, चाहे वो स्वर्ण को लेकर हो, या शूद्र को लेकर हो, या दलित यानी अछूतों को लेकर हो। तो मेरा यह समझना है कि हमारे देश का जो युवा है, उसका जो मेन फोकस है, मेजर फोकस है, वो जो कंसंट्रेशन जो उसका होना चाहिए था, वो कंसंट्रेशन इज टोटली डाइवर्टेड, और वो डाइवर्ट एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक ढंग से हुई है, और उस प्लानिंग की वजह से देश की जो मुख्य धारा जिस हिसाब से चलनी चाहिए, जो मेन स्ट्रीम देश की चलनी चाहिए,
वो मेन स्ट्रीम बहुत ही डाइवर्ट हो चुकी है, जिगजैग पैटर्न में डिस्टर्ब हो चुकी है। क्योंकि आप सोचिए, हमारे देश का जो युवा है, और अभी बहुत कम ऐसा युवा रहा है जो मेरी नजरों में, मतलब मैं उसके प्रति बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत सकारात्मक हूँ। यानी हमारे देश के जितने भी IITs, इसरो, IIM, हमारे देश के जितने भी जो साइंस और मेडिकल से जुड़े हुए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और भी डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और साइंस बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, और इन सब में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अभी भी उनका कोर फोकस करियर और एक देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर है। वो भारत को एक नए एंगल से देखना चाहते हैं और लगातार उस प्रयास में हैं। अगर आप देखिए कि भारत के ही रघुराम राजन, जो कि पूर्व में अर्थशास्त्री रहे, भारत के पूर्व गवर्नर रहे RBI के, वो शिकागो विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर आज भी पढ़ाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पक्ष विपक्ष को मत जोड़िएगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि आज हमारे देश का जो जनरेशन है, वो आज इस प्रकार से जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता, और आजकल जो एक नई चीज आ रही है वो है वैमनश्यता, जातीय वैमनश्यता। अब ये जातीय वैमनश्यता पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोग सोचेंगे ये नई टर्म कौन से आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए कि जो भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद, ये भारत देश में आज के नहीं है, ये प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान में इन सबको नकारा गया है और इनको निष्कासित करने की उनकी योजना बनाई गई है। भारत के संविधान का जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है, वो इन चीजों को एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया तंत्र है। ऐसे में ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार देश को आपसी वैमनश्यता से मुक्त करेंगे। मैंने कहा कि मैं जातीय वैमनश्यता पर बात करना चाहता हूं, और ये वैमनश्यता क्या है कि मैंने कहा कि जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इन तीनों की वजह से रिजर्वेशन 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, उसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते की वजह आज के समय में रिजर्वेशन सिस्टम है। दोस्तों देखिए कि जो तो रिजर्वेशन सिस्टम है, आज जो SC और ST के प्रति जितने एट्रोसिटीज के मामले आ रहे हैं, या जो उनके खिलाफ जो हिंसा के मामले देखे जा रहे हैं, उसके अधिकतर कारण उनका निम्न जाति का होना नहीं है, बल्कि उनका यह है कि SC समुदाय या ST समुदाय लगातार अगर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो OBC या जनरल को, विशेषकर जनरल को, यानी स्वर्ण समाज को बर्दाश्त नहीं होता। और उनके तर्क बहुत ही सटीक हैं। उनके तर्क हैं कि यह आरक्षण के दम पर, और आरक्षण को वो कहते हैं बैसाखी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह प्रतिनिधित्व है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन है। वो ये कहते हैं कि अगर भारत एक माँ है तो भारत माँ के 4 या 5 बच्चे हैं। फिर वो बात करते हैं कि 5 बच्चों में जो संसाधन है, उन संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इक्वालिटी, वो इक्विटी की बात नहीं करते, वो इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और समानता की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो देश का कमजोर, हजारों वर्षों से जो शोषित समाज है, तो निचला तबका है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। तो वो सिस्टम था रिजर्वेशन सिस्टम, और उस रिजर्वेशन सिस्टम से, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषदों में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में, यानी राज्यसभा, लोकसभा में हो, तो उनके माध्यम से SC और ST जो कि सदियों से दबा कुचला रहा, इन्हें पहले तीनों कारण बताए कि जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव, इनकी वजह से वो समाज, क्योंकि हिंदू समाज है, जो कि हिंदू समाज की एक मुख्य बॉडी है, उस बॉडी के साथ में इतना डिस्क्रिमिनेशन होने के साथ में वो एक सामान्य जनजीवन जीने की अवस्थिति में नहीं है, यानी वो पशुओं से बदतर जीवन जीने पर बाध्य था। ऐसी स्थिति में उनके लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लागू किया गया। तो दोस्तों अब उस रिजर्वेशन की वजह से कुछ लोग शिक्षा में, कुछ लोग नौकरियों में, कुछ लोग डेवलपमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और यही आगे बढ़ने की वजह से जो जनरल समाज है, उसको अब लगता है कि जो तो रिजर्वेशन है वो एक अनैतिक है, इलीगल है, और SC और ST जो तो लोग अब डेवलप हो रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि ये उन्हें गलत तरीके से दिया जा रहा है। क्योंकि अब समय बदला है, आधुनिकता आई है, सोच लोगों की बदली है। मैंने शुरू में कहा कि जो कास्टिज्म को लेकर है, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, अनटचेबिलिटी को लेकर है, जो तो थिंकिंग है वो स्वर्ण समाज की बदली है, तो ये क्वेश्चन आने स्वाभाविक है। वो रिजर्वेशन को देखते ही आग बबूला होता है, वो SC ST के लोगों को सरकारी नौकरियों में देखते ही आग बबूला होते हैं, क्योंकि उन्हें इलीगल लगता है। पर वो एक बेसिक थॉट्स, या इनकी वजह आखिर क्या थी और क्यों रिजर्वेशन आया था, जो अब जो एक अपलिफ्टमेंट हो रहा है जो लोअर क्लासेस का, वो लोअर क्लासेस का एक तरफ से अपलिफ्टमेंट, और उधर जनरल, ऐसा नहीं है कि जनरल नीचे जा रहा है, जनरल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि जनरल के पास में अपॉर्चुनिटीज शुरू से ही हमेशा अच्छी रही है। पर ऐसा नहीं है कि सभी जनरल आर्थिक रूप से सक्षम है, पर आरक्षण का आधार आर्थिक रूप से नहीं है, आरक्षण सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर दिया गया है।
इसका एक कारण था कि आर्थिक रूप से अगर ऐसा करते तो, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये खुद देखा कि वो आर्थिक रूप से सक्षम थे, उनके पास पैसा भी था, वो एक मकान किराए पर खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें मकान किराए पर नहीं मिला। तो ये जब स्थिति आई तो कहीं कहीं एक संशय पैदा हुआ कि अगर ऐसे एसटी का आदमी, जिसके साथ छुआछूत का अर्थ ये है कि चाहे वो पैसे वाला है तो भी उसको निम्न जाति का माना जाएगा, उसको छूना एक तरह से पाप माना गया है। और ये चीज़ है, हमारे कहीं कहीं धर्म ग्रंथों में भी इन चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। इस वजह से अब जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है एससी एसटी का, वो कहीं कहीं जनरल को अखरता है, खटकता है, और निश्चित रूप से अखरेगा, खटकेगा, इसके खिलाफ वो लोग भी आवाज़ उठाएंगे। और अब दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए कंक्लूजन के रूप में कि देखिए, अगर हमारे देश में हमें पीस रखनी है, शांति चाहिए, सौहार्दता चाहिए, सांप्रदायिक एक सद्भावना, अच्छी भावना, आपस में भाईचारा, प्रेम, नफरत को दबाना है, और एक देश में अच्छा और हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करना है, तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों के लिए आपस में एक टेबल पर, बिना गाली गलौज, बिना मारपीट, बिना हिंसा के एक टेबल पर आकर बातचीत करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदत में नहीं है, आदत में लानी पड़ेगी, लानी चाहिए अगर वाकई में देश को आगे जाना देखना चाहते हैं। कोई कहता है कि केवल स्वर्ण समाज हाईली अगर डेवलप्ड हो जाए तो देश बहुत आगे निकल जाएगा, ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर ओबीसी, एससी और एसटी वो इक्वल में डेवलपमेंट अगर नहीं करते हैं तो हमारे देश का ओवरऑल जीडीपी, जो तो हमारे देश का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगा, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट दोस्तों डिसिमिलर होगा, वो एक रूप नहीं होगा। हम चाहे कितना ही लाख प्रयास कर लें तो भी नहीं होगा। देखिए, अगर एक मास में 5 बच्चे हैं, उन 5ों बच्चों में से अगर सोचिए कि एक ही बच्चे को, अगर माँ एक ही बच्चे को भरण पोषण करेगी, उसको ही केवल खाना ज़्यादा खिलाएगी, तो बाकी 4 बच्चों का क्या होगा, वो कैसे ग्रोथ करेंगे? तो समझिए कि वो परिवार कैसे, किस तरह का होगा, वो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, वो परिवार सक्षम परिवार कैसे बनेगा, एक अच्छा परिवार कैसे बनेगा। और अगर एक को दिया बाकी को नहीं दिया तो आपसी टकराव पैदा होगा, संघर्ष की स्थिति बनेगी, और संघर्ष की स्थिति यानी परिवार बिखरेगा, अर्थात आप ये समझिए कि देश की गति अवरुद्ध होगी, देश में आपसी टकराव, अलगाववाद की स्थिति जब पनपती है तो देश में शांति और सुकून नष्ट होते जाते हैं। वो देश जहाँ शांति और सुकून नहीं है, जहाँ पीस नहीं है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वो देश आगे बढ़ने में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी, और इसका फायदा दुश्मन देश उठाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे देश में अभी जितनी हत्याएं, हिंसा का जो माहौल बन रहा है, वो उस माहौल को अगर सस्टेन करना है, कम करना है, थोड़ा धैर्य रखिए, पीसफुली हैंडल करिए, सोशल मीडियाओं की अंधाधुंध आने वाली पोस्ट को शेयर करने से बाहर जाए, प्लीज़ कंट्रोल करें इस चीज़ को। देखें आप कि आप जो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं वो आपकी समाज को किस प्रकार से उग्र बना रहा है, चाहे वो दलित समाज के खिलाफ हो, चाहे वो स्वर्ण समाज के खिलाफ हो, उन पोस्टों को शेयर करने से बचिए। आपस में एक पीसफुल भारत, एक शांतिपूर्ण भारत, एक अच्छा भारत कैसे बनाएं, इसको लेकर हम सोचें, और ये भाव धीरे धीरे दिमाग से निकालें कि क्या स्वर्ण, क्या अछूत, क्या ओबीसी, क्या जनरल हमारा देश। और अब तो सरकार की आने वाली योजनाओं में एक सबसे बड़ा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब एक समान नागरिक होंगे और एकल नागरिकता, जब एक समान जब नागरिक होंगे तो वो दिन कैसा होगा दोस्तों, सोचिए, उस दिन हमें अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, इन सबको छोड़कर एक नए भारत के लिए, नए भारत के सशक्त नागरिक के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर हम किसी को ऊंच नीच की दृष्टि से, और केवल ये नहीं कि अपनी जाति को श्रेष्ठ मानकर चलें और बाकी जातियों को निकृष्ट और निम्न मानकर चलें, तो ये भाव धीरे धीरे कम करना होगा, तभी हम एक अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, फिर भी मेरी कोई बात अगर आपको कोई बुरी लगी है, अगर आपको ठेस पहुंचा दी है, तो मैं माफी चाहता हूं, और मेरी बात आपको समझ में आई है कि वास्तव में हमारे देश में एक पीसफुल एनवायरनमेंट की जरूरत कितनी है, इस हद तक आप महसूस करते हैं, तो आप जरूर इस चीज़ को, इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं और देश में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और जो ये डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे पूरे भारत में, ये हमारे देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरी बात कि दुनिया के ताकतवर राष्ट्र भारत की तरफ फिलहाल देख रहे हैं दोस्तों, और वो चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे अपनी जनता को, कैसे अपनी ऊर्जा को, कैसे अपनी पावर को, कैसे अपने राइट्स का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करते हैं कि वो कैसे दुनिया के अन्य देशों को एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की तरफ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, एक सस्टेनेबल भारत की तरफ एक अपनी सोच बनाइए, आपस में लड़ाई झगड़ों को कम करने की कोशिश करें, जो साथी जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, एक सकारात्मक माहौल को जो आगे बढ़ा रहे हैं उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, और जो समाज में नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपसी टकराव बढ़ रहा है, आपसी वैमनस्यता बढ़ रही है, उसको काफी हद तक रोकने का प्रयास करें, एफर्ट करें कि देश की सभी जातियां, सभी धर्म के लोग एक मंच पर, एक स्टेज पर आकर बातचीत करें, सौहार्दता का एक अच्छा वातावरण बने। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।